अगले 2 महीने ऑटो सेक्टर के लिए शानदार रहने वाले हैं। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा कारें और बाइक्स लॉन्च होने वाली है। कंपनियों के लिए भी फेस्टिव सीजन हमेशा ही शानदार रहता है। कार मैन्युफैक्चर कंपनियों को भी फेस्टिव सीजन का इंतजार होता है, क्योंकि यह अपनी सेल्स का 50% से भी ज्यादा एम इसी दौरान पूरा कर लेती है। अगर आप भी नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको नई लॉन्चिंग के अलावा पुरानी कारों पर भी बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाता है। तो आइए जानते हैं अगले 2 महीनों में लॉन्च होने वाली कारों के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, अगर आपने अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। और फर्स्ट अपकमिंग कार इज टाटा पंच। अक्टूबर की धमाकेदार शुरुआत टाटा की माइक्रो एसयूवी टाटा पंच से होने वाली है। कंपनी इसे 4 अक्टूबर को लॉन्च करेगी। यह 4 ट्रिम और 6 कलर्स में मिलेगी। इसका इंटीरियर अल्ट्रो जैसा ही होगा, लेकिन इसमें मिलने वाला ग्राउंड क्लियरेंस और बूट स्पेस अल्ट्रो से ज्यादा होगा। खास बात यह होगी कि इसमें हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। जहां तक टाटा पंच के लुक की बात है तो ये काफी हद तक टाटा हैरियर जैसी दिखाई देती है। स्प्लिट हेडलैम्प और ट्राई एरो ग्रिल इसके एक्सटीरियर को ज्यादा शानदार टच देते हैं। इसमें अल्ट्रोज का 1.2 लीटर रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलेगा। कंपनी इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का भी ऑप्शन देगी। इसका 1.2 लीटर इंजन 85 bhp की पावर और 113 nm का टॉर्क देगा। और सेकेंड अपकमिंग कार इज MG Astor। MG मोटर्स ने अपनी टेक सेवी कॉम्पैक्ट SUV को पिछले महीने पेश किया था, लेकिन इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग 6 अक्टूबर को होने वाली है। नई SUV बेसिकली ZS EV का पेट्रोल वर्जन है। नई SUV जियो के IoT फीचर से लेस होगी, जो ब्रांड के नए IT सिस्टम और प्लेटफॉर्म के रूप में कार के नए कॉन्सेप्ट को पेश करेगा। जानकारी के लिए बता दें, यह SUV ZS EV के साथ मेजोरिटी फीचर्स को शेयर करेगी। हालांकि इसमें कुछ डिजाइन चेंजेस और हाईटेक इंटीरियर देखने को मिलेगा। SUV में बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बड़ा पेनोरामिक सनरूफ, मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। नई MG Astor का मुकाबला हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस से होगा। यह 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ पेश की जाएगी, जिसमें एक 1.5 लीटर 4 सिलेंडर NA पेट्रोल और एक 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन शामिल है। जहां नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगभग 120 bhp की और 150 nm का टॉर्क जनरेट करेगा, वहीं टर्बोचार्ज इंजन 163 bhp की पावर और 230 nm का टॉर्क जनरेट करेगा। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स के ऑप्शन ऑफर पर होंगे। और थर्ड अपकमिंग कार इज महिंद्रा XUV700। महिंद्रा की सिद्धांशु और एडवांस फीचर से लेस SUV XUV700 को हाल ही में पेश किया गया था। वहीं अब खबरें हैं कि यह SUV अक्टूबर में ही भारत में लॉन्च की जाएगी। यह SUV 5 और 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगी। महिंद्रा XUV700 SUV में स्मार्ट डोर हैंडल, 6 स्पीकर वाला सोनी 3D साउंड सिस्टम, ड्यूअल स्क्रीन सेटअप, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टीपल एयरबैग्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस चार्जिंग, पर्सनलाइज्ड सेफ्टी अलर्ट्स, ऑटो बूस्टर हेडलैम्प समेत नए ड्राइविंग असिस्ट फीचर्स मिल सकते हैं। इसमें कस्टमर्स को 2 इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें एक 2000 hp 2 लीटर M स्टेलियन टर्बो पेट्रोल इंजन होगा और इसके साथ ही 185 hp 2.2 लीटर M होक ऑयल बर्नर इंजन होगा। साथ ही ये 2 ट्रांसमिशन में अवेलेबल होगी, जिसमें 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन शामिल है। महिंद्रा XUV700 कई वेरिएंट्स में लॉन्च की जाएगी। इस दमदार SUV की शुरुआती कीमत 11.99 लाख रुपीज टू स्टार्ट हो सकती है। और फोर्थ अपकमिंग कार इज नेक्स्ट जनरेशन मारुति सिलेरियो। मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर हैचबैक कार सिलेरियो के न्यू जनरेशन मॉडल को जल्द ही लॉन्च करेगी। पिछले दिनों खबरें आई थी कि नई सिलेरियो को नवंबर में उतारा जाएगा। यह हैचबैक एंगुलर डिजाइन में आएगी। हालांकि कार की आधिकारिक लॉन्चिंग से पहले ही कंपनी ने चुनिंदा डीलरशिप में नए मॉडल की प्री बुकिंग शुरू भी कर दी है। 2021 मारुति सुजुकी सिलेरियो की लीक हुई तस्वीरों से पता चलता है कि यह हैचबैक पिछले मॉडल की तुलना में बड़ी होगी। इसमें कई अहम कॉस्मेटिक अपग्रेड देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नई सिलेरियो कंपनी के नए हार्डकट प्लेटफॉर्म पर मैन्युफैक्चर की जाएगी, जो इसे पहले से ज्यादा मजबूत, हल्का और सुरक्षित बनाता है। न्यू जनरेशन मॉडल में डिजाइन और स्टाइल अपडेट के साथ ही कई नए फीचर्स भी मिल सकते हैं। इंजन और फीचर्स की बात करें तो न्यू जनरेशन सिलेरियो 2021 मॉडल में BS6 फ्यूल एम्बिशन वाला 1 लीटर 3 सिलेंडर K10B पेट्रोल इंजन मिल सकता है। सिलेरियो के मौजूदा मॉडल में भी इस इंजन का यूज किया गया है। यह इंजन 66 bhp का पावर और 90 nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और एक ऑप्शनल 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स मिलता है। सिलेरियो का नया मॉडल पहले की तुलना में ज्यादा माइलेज देने वाला होगा। हैचबैक को पेट्रोल और CNG किट कॉम्बो के साथ पेश किया जाएगा। इसके इंटीरियर में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम
हो सकता है जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को भी सपोर्ट करेगा। और फिफ्थ अपकमिंग कार इज टोयोटा फॉर्चूनर लेजेंडर 4x4। इस साल के शुरुआत में फेसलिफ्ट टोयोटा फॉर्चूनर को उतारा गया था, वहीं कंपनी आने वाले हफ्तों में इसके लेजेंडर 4x4 वर्जन को भी उतार सकती है। मौजूदा लेजेंडर वेरिएंट 2WD सिस्टम और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। इसके अलावा व्हीकल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। SUV में 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 166 HP का पावर और 245 Nm का टॉर्क देता है। वहीं 2.8 लीटर डीजल इंजन 204 BHP की पावर और 420 Nm का टॉर्क देता है। डीजल इंजन ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ 500 Nm का टॉर्क देता है। नई टोयोटा फॉर्चूनर लेजेंडर 4x4 की कीमतों का ऐलान 8 अक्टूबर को किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।